हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 111 फीट की दो ध्वजाएं लेकर पहुंचा मोडासा संघ सांडेरा। ध्वजा के दर्शन को उमड़ी ग्रामीणों की भीड़। मोडासा संघ के जात्रुओं का जगह जगह हुआ स्वागत। सांडेराव मोडासा गुजरात के रामदेवड़ा दर्शन करने के लिए जा रहे 38वां पैदल यात्रा संघ गुरुवार शाम सांडेराव पहुंचा, जहां पहले से आतुर खड़े बाबा रामदेव, नवयुवक मंडल के सदस्यों सहित मारवाड़ घोड़वाड़ जन कल्याण समिति के अध्यक्ष जयदेव सिंह राणावत के साथ ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। मोडासा पैदल यात्रा संघ में 111 फीट की दो ध्वजाओं को साथ लेकर पैदल जात्रु कदारबद्ध हाईवे से गुजर रहे थे, जो सभी के आकर्षण का केंद्र रहे। यात्रा के संयोजक महंत जसवतनाथ व धर्मेंद्रनाथ गिरी ने बताया कि इस 38वीं पदयात्रा गुजरात के मोडासा से रवाना होकर हर वर्ष बाबा रामदेव रुणीचा के दरबार में हाजिरी देने के लिए जाती है, जहां पैदल जात्रु बाबा के दर्शन कर अपनी मन्नतें मांगते हैं। गुरुवार शाम को सिंदरू के पास देवासी समाज मुंबई के भंडारे तथा सांडेराव बस स्टैंड पर स्थित रातम देव मंदिर के भंडारे पर बाबा के भक्तों की ओर से पैदल जात्रुओं को अल्पाहार के साथ भोजन प्रसाद की व्यवस्था कर यात्रियों का आदर सत्कार किया। महंत जसवतनाथ ने बताया कि 800 किलोमीटर की इस पैदल यात्रा में इस बार 1800 पदयात्रियों की संख्या तथा सैकड़ों छोटे बड़े वाहन भी साथ में है। इस यात्रा में पैदल चलने वाले सभी यात्रियों की सुरक्षा को लेकर मोडासा संघ द्वारा प्रत्येक यात्री का 2-2 लाख का दुर्घटना बीमा करवाया गया है। जगह जगह हुआ स्वागत। मोडासा पैदल संघ का सांडेराव सीमा में पहुंचने पर मारवाड़ गोड़वाड़ जन कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष जयदेव सिंह राणावत के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, गोगादेव, महिपाल सिंह सोलंकी, पाबू सिंह खिंदारा गांव व सिंदरू प्रवेश पर द्वारकाधीश सेवा संस्थान देवासी राय का युवा संगठन की ओर से संचालित भंडारे पर बैंड बाजों, मधुर स्वर लहरियों व ढोल धमाकों साथ ही पुष्प वर्षा के साथ जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान पुराराम देवासी, पाबू सिंह राठौर, पूर्व सरपंच रूपाराम देवासी, गणेश शाराम मेवाड़ा सिंदरू, महेंद्र महावीर मेवाड़ा सांडेराव सहित ग्रामीणों ने बाबा के जात्रुओं का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। जागरूक टीवी के लिए सांडेराव से नटवर मेवाड़ा की रिपोर्ट।